बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। मंडे मॉर्निंग किस किस का मूड ख़राब है? ज़्यादातर लोगों का। अपना मूड ठीक कर ले। मंडे मॉर्निंग का मतलब है कि इट्स अ होल न्यू वीक। बहुत सी एक्साइटिंग, बहुत सी फन, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। नए हफ्ते का मतलब है एक नया आगाज़। नए आगाज़ पे तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ही कह कह के आए हाय मंडे, मंडे को ये होता है, मंडे को वापस काम पे जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो लोग बहुत लो फील करते हैं। बट लो फील करने का कोई रीज़न नहीं है। एक और दिन जीने का मौका मिल रहा है, एक और दिन हमारी सांसें चल रही हैं, एक और दिन हम ना जाने क्या क्या कर सकते हैं। कोई मिरेकल, कोई करिश्मा, कुछ अमेजिंग सा हो सकता है। सो मंडे मॉर्निंग्स को एक हैप्पी टाइम बनाएं, ना कि एक नेगेटिव टाइम बनाएं। लेकिन एक चीज़ जो एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है आजकल, जिसके बारे में लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, वो है ये कोविड की, जिसको सब कह रहे हैं फिफ्थ वेव। अब फिफ्थ वेव ऑफ कोविड में क्या हो रहा है? फिर से लॉकडाउन शुरू हो गए हैं। मैं कल ही पढ़ रही थी ऑनलाइन कि कराची में स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने शुरू कर दिया है। लाहौर में भी इंडोर डाइनिंग जो है कल से बंद हो गई है, आउटडोर बैठ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिन जिन लोगों की बिजनेसेस हैं, फूड बिजनेसेस हैं, या जिनके सैलॉन्स हैं, पार्लर्स हैं, इस किस्म की बिजनेसेस हैं जहाँ पे कस्टमर सर्विस का काम है, वहाँ पे अब लोग एक दूसरे के साथ फ़िज़िकली मिलने से डर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेसेस भी सफ़र करेंगी। सो हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा फोकस इस चीज़ के ऊपर रखते हैं कि डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन की दुनिया से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखिए, रोज़ी रोटी कमाना हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़रूरत भी होती है। जितने ज़्यादा कमाने वाले लोग घर में होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल या आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाती है। लेकिन कैसे डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटली या ऑनलाइन की दुनिया से, सिंपल वर्ड्स में, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ट्विटर से, टिकटॉक से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? अगर डायरेक्ट आपको एक जगह पैसे नहीं देता तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, ये चीज़ मैं कल ही समझा रही थी अपनी एक दोस्त को। वो मुझे कह रही थी कि बस मेरा यही दिल है कि मैं सिंगिंग करूं, बस मेरा दिल है मैं सिंगिंग करूं। मैंने कहा जानी आप सिंगिंग तो करें, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में एक सोर्स ऑफ इनकम हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास 2-3 तरीके होते हैं कमाने के, तो अगर किसी एक जगह से आपकी रोज़ी रोटी रुक भी जाती है तो बाकी जगहों से आपका सिलसिला चलता रहता है। तो आई एम वेरी प्रो द फैक्ट कि एक से ज़्यादा आपका सिलसिला होना चाहिए अर्निंग का या इनकम अपनी कमाने का। तो जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल दुनिया से पैसे कमाएं, पैसे क्या करें, तो मेरे जहन में तो एक ही नाम आता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रही हूँ। आप ऐसे तो मुल्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक 200K से ज़्यादा आपकी ऑनलाइन कम्युनिटी भी है, जहाँ पे बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, और आप गाइड करते हैं। 4 साल से तो बाकायदा आप लिटरली फॉर फ्री लोगों को ऑनलाइन गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं डिजिटली। तो आइए अपने डिजिटल जीनियस को बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगी मैं असबर साहब से, असबर अली से। एक्चुअली कल सारा दिन आप सारम करते कहते रहे और आज फिर उन्होंने क्लियर किया कि भाई माय नेम इज असबर। तो असबर अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं डिजिटली, तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सो आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं एंड ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट एक इन्फ्लुएंसर हैं। मगर कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंसर हैं। कोशिश तो करते हैं। चले, इस पे हम मजीद बात करेंगे। सर प्लीज टेक अ सीट। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए व्यूअर्स, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। टैलेंट की हमारे मुल्क में बिल्कुल भी कमी नहीं है, बस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कभी कभी लैकिंग होती हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी ब्रिलियंट खातून को बुलाने जा रही हूँ जिनको अक्सर अल्लाह ताला के दर्जात बुलंद फरमाए, मैडम नूर जहान के साथ अक्सर आपको कंपेयर किया जाता है। और दिखने में आप बहुत खूबसूरत हैं, आवाज़ आपकी बहुत ही हसीन है। हमने सोचा कि आज मंडे मॉर्निंग है, हम आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव हों और हैप्पी हों, तो हमने स्पेशली एक तो हमने मुल्तान से पार्टी बुला ली और एक पार्टी हमने बुला ली न्यूयॉर्क से, और उनको कहा कि आइए हमारे शो का हिस्सा बने, कुछ लाइव म्यूजिक भी हो, कुछ गाइडेंस भी हो, उनके करियर पे भी बात करेंगे, आप लोग अपने करियर्स को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं साइमा काशिफ साहिबा को, सूफी, पंजाबी एंड जनरली अ फिनोमिनल सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? एल्बो टू एल्बो हो जाए, एल्बो टू एल्बो जा। आइए मैम, प्लीज बैठिए प्लीज। आप दोनों से गुफ्तगू करने से पहले मेरी एक पुरानी सहेली है, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारी घर की मुर्गी कम अज कम मुर्गी बराबर है, हमारी तो घर की मुर्गी जो है वो सोने बराबर है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, पायन मुनीर। आप कैसी? शेफ मुनीरा ऑल्सो नोन एज पायन मुनीर हमारे साथ हैं। मिस्टर मुनीर, ये जुगन का प्यार है कि जो मुझे अभी तक पायन मुनीर, आप इसको प्यार बुलाना चाहती है या मुझे जनरली आपको तंग करने का जो शौक है वो बुलाना चाहती है, वो एक सेपरेट इशू है। अच्छा, आज किचन में क्या बनने जा रहे हैं? हमारे बहुत ही खास मेहमान आए हैं। मैं आज किचन में जो बनाने जा रही हूँ वो है स्ट्रीट फूड, थोड़ा सा जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, और मैं चाहती हूँ कि घर में आमतौर पे बच्चे भी सब, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट होता है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपी चाहते हैं, तो आज मैं बनाऊँगी बिहारी बोटी, उसमें स्मोक दूँगी उसका कॉयल का, साथ में बनाऊँगी बन कबाब और साथ में बनाऊँगी चना चना। अच्छा, स्मोक देने का तरीका खुदा का वास्ता है, ये पायन मुनीर अच्छा काम करते हैं, ये चीज़ें ले आते हैं दिखाने के लिए। अब देखिए, कोयले को अक्सर लोग जो है ना वो डायरेक्ट खाने पे रख देते हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं रखते, उससे खाना आपका टॉक्सिक हो जाता है। प्लीज़, इसमें कार्बन मोनोक्साइड होती है और पता नहीं क्या क्या होता है, तो कोयला जैसे हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, उसी तरह खाने के ऊपर डायरेक्ट ना रखा करें। जब भी आपने कोयले की स्टीम देनी हो या जो वो कहते हैं देना, तो आप कॉयल पेपर, इसका फॉइल पेपर साथ रखिए, उसके ऊपर कोयले को रखिए, आप फिर उसको स्टीम दें, अदरवाइज सारा टॉक्सिक हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत ठीक है ना। इस तरह करके फॉइल में आपने इसको कर दिया और ये आपने इसके अंदर कोयला रख दिया, तो वो डायरेक्ट खाने को टच नहीं होता, तो उससे बहुत बेहतर हो जाती है सिचुएशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चले पॉइंट हमने दे दिया। हमें ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूरा बाकायदा बैंड आज हमारे साथ है। मोहसिन भाई ना जाने किस किस को अपने साथ लेके आए हैं, वो उनसे भी मुलाकात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइमा जी से गाना सुनते हुए आएंगे, अपने म्यूजिशियन भाइयों से हेलो हाय भी करेंगे और फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इतने खूबसूरत चेहरे से जब इतनी खूबसूरत आवाज़ निकले तो कुछ समझ नहीं आती कि इंसान क्या करे, दिल चाहता है ब्रेक में ही चले जाए। और यहाँ पे हमने लोगों को सिखाना है कि पैसे कैसे कमाएं, तो वो तो कहेंगे हम तो सिर्फ आपको देखते रहेंगे। खैर, आपको आपका साथ दिया हमारे म्यूजिशंस ने, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। ड्रम्स पे मेरे प्यारे से मोहसिन भाई हैं, लीड गिटार पे नवाज़ हैं, ढोलक पे राजू हैं, कीबोर्ड पे जहेब हैं एंड बेस गिटार पे बॉबी हैं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत सी तालियां। हम यही बात करते हैं ना कि उनका इंट्रोडक्शन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम में से किसी का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एज अ सिंगर आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब गाते हैं तो आपकी जो टीम होती है, जो आपके म्यूजिशियंस हैं, उनके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाने को सजाते ही एक्चुअली वो हैं। अब हम तैयार होके आ जाएं, बट यू नो एक्सेसरीज काउंट करती हैं कि चादर पहनी हुई, झुमका पहना हुआ, हार, इट मेक्स इट ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही गाने को खूबसूरत म्यूजिशियंस बनाते हैं। बेशक बेशक। ओके, तो पैसे कमाने की बात करते हैं। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई मसले नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बट आई थिंक दैट साइमा जी, दिस माइट बी यूजफुल फॉर यू आल्सो फ्रॉम अ डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमें ये बताएं सबसे पहले तो, आपको ये किस तरह से मत सूझी कि मैं इस तरफ निकलूं पैसे कमाने का, खुद भी ऑनलाइन पैसे कमाऊं और लोगों को भी कमाना सिखाऊं, ये किस तरह हुआ? बिल्कुल, सवाल सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमने कहाँ से शुरू किया, आपने कहाँ से शुरू किया और आपने शुरू किया। ये तो मैं पहले क्लियर कर लूँ ना बात, उसके बाद फिर हम टेक्निकल बातों की तरफ। बिल्कुल इस तरह से मेरे रिलेटिव मामू थे जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड थे उस वक्त, और उन्होंने ही मुझे जो है वो गाइड किया कि इस तरह चीज़ें होती है। टाइम काफ़ी, बात काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 15 से 16 साल पुरानी बात है जब उन्होंने मुझे लगाया। मैं उस टाइम एजुकेशन कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे पास तो आईडी कार्ड भी नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था। तो पहला डॉलर जब मैंने कमाया तो मेरे पास उसको डिपॉजिट करने के लिए बैंक अकाउंट नहीं था, तो जो चेक आया तो हमारे पास भी यही प्रॉब्लम्स होती है ज़िंदगी में, यू नो। तो उस टाइम वो थोड़ी सी अमाउंट थी, और पहली इनकम जो होती है बड़ी एक्साइटेड होती है। तो उसके बाद बस उस तरह जब आपको एक यंग एज में जो पहली इनकम का सोर्स कोई भी हो, और डिजिटल मार्केटिंग जो कि उस दौर में इतनी न्यू थी कि लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं था, तो लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल होता था कि जी ये इनकम जो है वो सही रास्ते से आ रही है, कहीं से डॉलर्स जो आ रहे हैं। अब तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, तो वहीं से शुरू हुआ। और उसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ मैंने फील्ड को कंटिन्यू रखा अपनी, और उसी सफ़र को लेते हुए उससे रिलेटेड फील्ड्स को एक्सप्लोर करते रहे टाइम टू टाइम। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपनी अचीवमेंट तो कर लेते हैं, आप समझते हैं कि जी मैं लोगों के लिए किस तरह हेल्प आउट हो सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई, और फिर मैं आज जो है वो अपना ही जितना एक्सपोजर, जितना मैंने लर्न किया, वो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ लोगों को। हाउ ऑसम, दैट्स वंडरफुल। देखिए, अपने पास एक हुनर होना, एक टैलेंट होना या नॉलेज होना, नॉलेज इज़ पावर, लेकिन अपनी ज़ात तक सिर्फ एक चीज़ को रखना, वो चले अपनी जगह एक चीज़ होती है, लेकिन जब आप दूसरों को हेल्प आउट करना शुरू हो जाते हैं ना, तो तब आप शो करते हैं कि आपके अंदर जेन्युइन एम्पैथी है, कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अगला बंदा भी कुछ उसका बेनिफिट ले। एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसकी तरफ हम एंड में जाएंगे। पहले वो लोग जो घर पर बैठे हैं, हम उनको गाइडेंस देंगे। मैम, आपसे ये जानना जरूरी है कि आपका म्यूज़िक की तरफ रुझान कैसे हुआ? अब आप न्यूयॉर्क में रहते हो जी, कुछ जर्नी बताइए। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, और होम इकनॉमिक्स से मैंने बीएससी किया, एंड ड्यूरिंग द टाइम आई वॉज डूइंग माई बीएससी, हमारे वहाँ चॉइस होती थी उर्दू या म्यूज़िक की। तो उर्दू था मेरे पास, क्योंकि मैं लिखती भी थी, लिटरेचर पढ़ती थी, और एक दफ़ा मैंने कॉलेज के मिलाद में नात पढ़ी, तो प्रोफेसर समीना हसन सैयद जो वहाँ पर थी, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि ये लड़की मुझे म्यूज़िक में चाहिए। वो प्रिंसिपल से लड़ के और मेरी माँ से, क्योंकि हमारी फैमिली का तो इस तरफ गाने वगैरह के कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत शौक़ था शुरू से गाने का, और सुनते ही पैदा ही और पले बड़े ही लेजेंड्स को सुन सुन के, फ़रीदा खानम जी को, इकबाल बानो साहिबा को, मेहदी हसन खान साहब को। तो वो बचपन से ही, मामा कहती कि तुम छोटी सी थी जब तुम गज़लें गाया करती थी, और हम हैरान होते थे कि इस लड़की के अंदर ये गाने का इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। खैर, म्यूज़िक लर्न करना शुरू किया तो मोहब्बत सी हो गई, ऐसे लगा कि बस यही करना था, कि जैसे घर आ गई हैं, ये जैसे घर आ गई। वैसे तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना, अच्छा गाना तो गाती हो, करते क्या हो? तो हमारे यहाँ पर अभी तक आई डोंट नो, ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि एक सिर्फ आर्टिस्ट भी हो सकता है, एंड फुल टाइम आर्टिस्ट भी हो सकता है, एक सिंगर हो सकता है, एक एक्टर हो सकता है। जिसका अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो। खैर आई स्टार्टेड एज अ टीचर, मैंने पढ़ाया भी HSN कॉलेज में, बीकन हाउस में और डिफरेंट स्कूल में पढ़ाती रही। आई वॉज रनिंग माई ओन स्कूल फॉर सम टाइम टू, लेकिन गाने के साथ वही रहा। और मेरी मदर का था कि आज से आप समझ ले 15-20 साल पहले इतना उस तरीके से लड़कियां नहीं आ रही थी। अब मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी फैमिली की लड़कियां आ रही हैं, गाने की तरफ आ रही हैं। अब प्लेटफॉर्म्स भी हैं गाने के, कोक स्टूडियो है, नेस्कैफे बेसमेंट। यू सी एंड देन यू गॉट द डिजिटल वर्ल्ड। अब आप मोहताज नहीं है किसी चैनल, किसी इदारे के, व्हिच इज ग्रेट, राइट। तो मैंने अपने ओन पे गाना शुरू किया। जब अमेरिका हम मूव हुए तो वहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस, आपको पता है, पेरेंट्स का और सोसाइटी का उस तरीके से नहीं होता। तो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वहाँ पर मैंने गाना शुरू किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। और आपने शायद एक वीडियो देखी होगी मेरी कि मैं कार में बैठी सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते गाना गुनगुनाया। मैंने न्यूयॉर्क की ट्रैफिक में, ट्रैफिक जैम में फंसी और मैंने बिल्कुल रैंडम एक वीडियो है। ओ माय गॉड, मिलियंस ऑफ व्यूज। नहीं, वो हमने लाइव भी सुनना है जरूर। हमने भी वायरल होना है। वो कहते हैं ना, वी विल राइड योर कोटटेल्स इनटू बिकमिंग वायरल। बदनाम होंगे तो क्या नाम। और मैंने वो देखा कि लोगों ने, आप देखिए कि रूमर्स कैसे फैलती हैं। किसी ने लिखा हुआ टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप में जो आप वीडियोस वायरल करते हैं उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ ग्रैंड डॉटर ऑफ मैडम नूर जहां। लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा तुम तो दिखती हो। मैंने कहा यार मेरा तो वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं, सवाए इसके कि वो भी कसूर से थी और मेरा ताल्लुक बेसिकली कसूर से। ओ यस, वो तो एक मेंटोर हैं, एक हमने उन्हें सुन सुन के बड़े हुए और अभी भी उनके गानों से सीखते हैं। लेकिन वैसे जेनेटिकली मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। चलिए ये भी क्लियर हो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, आप अपना DNA टेस्ट करें, कुछ तो है आपका। चले हम इनका डिजिटल DNA टेस्ट करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका डिजिटल DNA टेस्ट करती हूं मैं अभी आके ऑन एयर करूंगी। आप आए वापस। हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ साइमा काशिफ हैं एंड अस्पर अली हैं जी। और मेरे म्यूजिशियन भाई भी हैं, बट इस वक्त वो चाय पी रही है, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाय नहीं पी रही, मैं काली कॉफ़ी पी रही हूँ। ये भी बड़ा दुख है मेरी ज़िंदगी का, दूध डेयरी बंद हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, इस दुखड़े पे किसी और दिन बात करेंगे। अभी जो हम सब का दुखड़ा है वो ये है कि फिर कोविड में सब कुछ बंद होने जा रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लोग दलेर भी हो गए हैं, थोड़ा सा लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि भाई कोविड इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इंशाल्लाह हमने सर्वाइव करना है और उसके साथ साथ हमने मैनेज करना सीखना है। बट अस्पर देखें, हर बंदे के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मौके नहीं है जो शायद आपके पास हैं या मैम के पास हैं। वो ऑनलाइन भी लाइव जाके गा सकती हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं होते जिससे हम एक्चुअली हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा एज आर्टिस्ट सफ़र करना पड़ा है। दैट्स करेक्ट। इवेंट्स नहीं हो रहे, आई हैव नथिंग टू होस्ट, राइट। कॉन्सर्ट नहीं हो रहा, यू हैव नथिंग टू सिंग एट। तो मतलब ये भी तो एक सोर्स ऑफ इनकम है ही ना। क्या करें, क्या डिजिटल दुनिया में पैसे कमाए जा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? पहले जनरल बात, फिर एक एक चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोविड के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे और पाकिस्तान जो है वैसे ही पूरी दुनिया से ज़रा पीछे चलता है चीज़ें अडॉप्ट करने में। और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड के जिसमें सारी मार्केट्स बंद हो गई, हमने देखा अपने आसपास जितनी चीज़ें थी वो सब बंद हो गई और अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर आपको उसे ऑनलाइन ले जाना पड़ा अपने बिज़नेस को, यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्रांड्स को। और दरमियान में अगर आपको याद हो, ईद आ गई, उनके सिस्टम्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकें। लोग ऑर्डर्स किए चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है और हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो हमने देखा कि इस लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो चीज़ों को समझते हैं। हम देखते थे कि अवेयरनेस का प्रॉब्लम होगा, पर अवेयरनेस का नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आज छोटा सा बच्चा जो है वो फ़ोन उठा के बैठ जाता है हमारी एज में तो हम या हमारे अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो उनको चीज़ें समझने में ज़रा मुश्किल होती है कि जी व्हाट्सएप कैसे करना है, मैसेज फॉरवर्ड कैसे करना है। नहीं नहीं, मामा ने अपनी इस बर्थडे पे फिर एक और टैब मांग लिया। रहने दे आप, मामा भी बड़े चलाक, मामा भी बड़े चलाक हो गए हैं जी। मतलब बर्थडे पे क्या चाहिए, मैंने कहा सूट कहेंगी, जूते कहेंगी, कुछ मतलब आसान सा कहेंगी। सही है कि मुझे ले टैब चाहिए, मैंने कहा तो ये एडिक्शन हो गई है ना इतनी टेक्नोलॉजी के साथ। अब इस टेक्नोलॉजी को आपने अपने लिए यूज़ करना है, आप अपने लिए यूज़ करना है तो फिर आपको खुद अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। उसके लिए मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ 3 स्टेप्स में कि आपने जो है वो कैसे स्टार्ट लेना है। देखें यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सबसे पहले तो हम पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे, बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल मेहनत करके। ये नहीं कि घर पे बैठे और आसमान से पैसों की बारिश होगी, वो भी हो सकता है, वैसे तो जैसे मैं कर रिश्मे हो भी सकता है, लेकिन आपने बनना है द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेके आए। हम हर वक्त दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कोई हमें रोज़ी रोटी कमाने का तरीका बताएगा, हम जाके नौकरी करेंगे, लकीर के फिक्र। आप तो देखें 90% चीज़ें वैसी कंप्यूटर्स और गैजेट्स करना शुरू हो गई हैं, नौकरियां वैसी कम हो गई हैं। अपने बिजनेस क्यों ना करो, अपने आप को एक बिजनेस बना लो। ऐसा ही है। अच्छा, तो वहाँ पर आ जाती है आपकी स्किल। अब आपके अंदर, हर बंदे के अंदर को स्किल होती है, अब आपने उसे खुद तलाश करना है। आपके अंदर सिंगिंग की है, किसी के अंदर कोई कलेक्शन है, कोई हॉबी है, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है। आपने भी जो है वो YouTube पे जो है वो उधम मचा रखा है। तो इस तरह के जो जो मेरे भी 500,000 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स होंगे तो क्या नाम ना होगा, 600 के हो गए हैं, सॉरी। ऐसे ही है, तो देखिए कोई ना कोई स्किल है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी, जिस तरह अपॉर्चुनिटी की बात हो रही थी कि नहीं है, आपके अंदर जो कुछ भी है बस आपने देखना है और अपने आप को किसी भी तरह अपना वो टैलेंट जो है वो सामने लेके आना है। और इसमें मज़े की बात ये है कि इनकम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि हमारे सराउंडिंग में इतने सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं जी इनकम बताएंगे नज़र लग जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी ऐसे अपॉर्चुनिटी और ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ बच्चों ने बना रखी हैं, जो कि इवन पिछले दिनों बड़े बैकवर्ड एरिया में था तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बच्चे ने सिर्फ 5th क्लास कर रखी है और उसे इंग्लिश की ABC नहीं पता, वो 100K पाकिस्तानी रुपीज़ के 1 लाख रुपये जो है वो बना रहा है। तो इससे बड़ी फॉर माय वेरी अक्लमंद बच्चा। हाँ। बिल्कुल, तो क्या है कि उसके अंदर कम्युनिकेशन पावर है, वो चीज़ों को समझता है, उसे गूगल करना आता है। जब आपने ये छोटी सी आदत बना दी गूगल करने की, तो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद समझ जाएंगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे कमाना है और कितना। मेरा काम क्यों बंद करवा रहे हो, हमें शो में मेरी रोजी रोटी खत्म करा। देखिए ये तो हमने देखा है कि टीवी चैनल्स पे बहुत बुरा दौर आ रहा है और इस चीज़ से हम इग्नोर नहीं कर सकते, और डिजिटल मीडिया उसको रिप्लेस कर रहा है। मैंने अपने हाथों से जो है वो टीवी चैनल्स को ताले लगते हुए देखे हैं। तो क्या है कि अगर आप उसे आज अडॉप्ट कर लेंगे, मीडियम चेंज हो जाएंगे, सब कुछ यही रहेगा। अपने हम लोग अब देखिए, हमारा जो YouTube का चैनल है APlus का, इतना ज़्यादा देखा जाता है, इतना ज़्यादा देखा जाता है, टू बी ऑनेस्ट टेलीविजन से ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप ऑनलाइन की है। एंड वही वाली बात है ना, आप अफ्रीका में भी बैठ के लाइव देख सकते हैं हमारे शो को। आप जहाँ पे नहीं APlus चैनल आता, हम अब केबल ऑपरेटर्स और इन लोगों के भी एक तरह से मोहताज नहीं रहे। बिल्कुल। सो यू नो, बट देन वही वाली बात है ना, बीइंग द बेस्ट। पहले तो आपने चैनल लगाया और आपने वही देखना है तो चैनल ने लगाया हुआ है, अब आपके पास चॉइस है। जिस तरह आप चैनल फ्लिप करते थे, अब आप सोशल मीडिया के भी प्लेटफॉर्म्स उनके फॉलो करोगे। बिल्कुल, जो तो उन्होंने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसे बनाया है कि आप टीवी देखते देखते, चैनल चेंज करते करते शायद थक जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। फेसबुक का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ट्रेन हुआ हुआ है कि जो आपको देखना चाहिए वो प्रेडिक्ट करके आपको ही दिखा रहा है। तो इस आपको, यानी कि फ्यूचर इसी को कहते हैं। मेरा पूरा सोशल मीडिया कुत्ते बिल्लों की वीडियोस और छोटे बच्चों की वीडियोस है। कभी कोई छोटा टिंडू सा बच्चा आ जाता है, क्यूट सा, कभी कोई बिल्ली आ जाती है यहीं करती है, कभी कोई खरगोश आ जाता है हूं करते हुए। मेरे मियाँ ने कहा तुम देखती क्या रहती हो सारा दिन, जो सारे बच्चे और जानवर, दैट्स इट। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट किसी और चीज में, पेट लवर, राइट। आई एम जस्ट आई एम अ लवर ऑफ लाइफ, राइट, ऑफ जिंदगी, ऑफ नेचर, ऑफ पीपल, ऑफ म्यूजिक, ऑफ। देखिए खूबसूरत चीज या खूबसूरत शख्स, किससे नहीं प्यार। अब आप अपने अंदर की जो कोई बहुत खूबसूरत और अमेजिंग टैलेंट है उसको निकालें। अब वो हम कैसे कर सकते हैं ये ब्रेक के बाद जानेंगे, लेकिन वो जो एक वायरल वीडियो हुई आपकी देखते, आपके दिमाग से नहीं निकल रही वो मैंने ब्रेक के बाद लाइव सॉन्ग सुनना है, कुछ मतलब मूड सेट करेंगे और उसके बाद अस्पर आप हमें बताएंगे कि अब हम अपने, जैसे कुकिंग का टैलेंट है, जनरल सी चीज़ ले लेते हैं ना कि खाना बहुत अच्छा आपको बनाना आता है, क्या करें, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ हश्र है वहशते दिल की आवारगी, हश्र है वहशते दिल की आवारगी, हमसे पूछो मोहब्बत में दीवानगी, जो पता पूछते थे किसी का कभी, जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देख पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते, सोचता हूँ। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रे गुजर जाएंगी, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो बात है। Absolutely beautiful. Like I said, a gorgeous face and gorgeous आवाज and सारा कुछ ही gorgeous हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? हाँ। अच्छा, जरा बताइए कि क्या क्या तैयार हुआ है? जी बिल्कुल, चना चाट भी रेडी होगी, साथ में बिहारी बोटी के साथ स्मोक का फ्लेवर भी दे दिया और साथ में बन कबाब जो मैंने बनाए हैं वो भी रेडी हो। अच्छा, बेस्ट चीज़ ये है कि हर किस्म के इंसान के लिए एक ऑप्शन है। बिल्कुल, प्रोटीन डाइट कर रहे हैं, कीटो कर रहे हैं, यू गॉट अ गुड ऑप्शन ओवर हियर। बन कबाब हर किसी का फेवरेट होता है। बिल्कुल, और अगर हम ना भी चाहें तो खाली कबाब के साथ सैलेड के साथ भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे कि मैं तब से कबाब खाई जा रही हूँ आराम से। चलते हैं वापस वहाँ पे। अब जरा आप भी गौर से सुनिएगा, बिकॉज पीपल लाइक यू, मी, साइमा जी जो हैं, हम लोग कैसे एक अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे म्यूजिशियन भाई जो हमारे साथ हैं, हम क्या कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। जैसे किचन में ही थे तो अस्पर ये बताइए कि किचन फॉर एग्जांपल इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो वेरियस डिफरेंट चीज़ें बनाती हैं। कुछ चीज़ों की एक्चुअली हाथ में इतना मज़ा होता है कि रिश्तेदार फ़ोन करके कहते हैं कि जी चले कुछ हम अगर आ नहीं सकते कोविड की वजह से कुछ बना के ही भेज दे। हाउ कैन वी टर्न दैट इनटू एन अपॉर्चुनिटी अर्निंग की? अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप एक ब्लॉग लिखें, एक वेबसाइट बनाएं। ब्लॉग कैसे बनता है गूगल करेंगे, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करना है। आपको ब्लॉग बन रही है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उर्दू राइटिंग में, इंग्लिश राइटिंग में, तो फिर आपको एजुकेटेड भी तो नहीं होता ना इस पर। हाँ, आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड नहीं होगा, पर एजुकेशन की इसलिए ज़रूरी दूसरा ऑप्शन इसलिए है कि आपको फिर उसको वीडियो की फॉर्म में लाना है, अपने आप को बोलना है। आप अब इतने टूल अवेलेबल हैं जो कि आपको जो है वो ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। यहाँ की वीडियोज़, यहाँ का जो अच्छा कॉन्टेंट है उसमें लोग उसको ट्रांसलेशन, उसका सबटाइटल यूज़ होता है, ऑटोमेटिक बन जाते हैं सबटाइटल्स। और आप एक ऐसी जगह को टारगेट कर रहे होते हैं, और जिस तरह हम देखते हैं कि ओवरनाइट चीज़ें वायरल हो जाती हैं, वो आइडिया होने के पीछे यही होता है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आइडिया है ओवरनाइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जी पावर ऑफ हैशटैग, जिस दिन आप समझ गए ना, हम उसको हैशटैग मजाक लेते हैं और बेसिकली उसके पीछे हैशटैग ही होता है जो किसी भी कंटेंट को ओवरनाइट वायरल कर देता है। तो जिस दिन आप ये समझ गए कि हैशटैग की इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, थोड़ी वीडियोस देखेंगे, अगर आपको सिर्फ पॉपुलर हैशटैग्स बनाने आ गए तो फिर आप कहीं दुनिया में मार नहीं खा सकते। कम से कम 5-10 साल तो चलेगा ये सारा। अच्छा, टिकटॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने देखा है कि वो तो आपको बता देते हैं कि जी ये वाले पॉपुलर हैशटैग्स है, लगा लो। बिल्कुल, उसमें पॉपुलैरिटी। अब क्या होता है कि एक आपने हैशटैग यूज़ किया तो आपकी वीडियो ऊपर आ जाएगी, उसको लाइक्स मिल जाए, शायद वो ऊपर ज़्यादा देर टिकी रहे। पर जब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो आप उसमें नीचे चले जाते हैं। वहाँ पे फिर आपके कंटेंट में इतनी जान होनी चाहिए कि आप वहाँ उस जगह स्टे करें। जैसे कि आपने, अच्छा ये जो आपने वीडियो बनाई थी, लेट्स जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, आपने जो वीडियो बनाई थी हुआ क्या था? ये जो अभी हमने सॉन्ग सुना बड़ा खूबसूरत। जुगन, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये सोच कर नहीं बनाई थी कि ये पॉपुलर होगी या ये वायरल होगी। इट जस्ट वेंट वायरल ऐसे ही, मतलब। बट वो हुआ क्या? आप बैठी हुआ क्या था कि मैं आई वाज ड्राइविंग, आई वाज गोइंग फॉर अ टीवी शो वहीं पर न्यूयॉर्क में। आपको पता है हमारे वहाँ पर भी बहुत से चीज़ें चलती रहती हैं और चैनल्स हैं वहाँ पर भी। तो वहाँ पर मैं टीवी इंटरव्यू के लिए जा रही थी और न्यूयॉर्क की ट्रैफिक तो आपको मालूम है, बस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और मैंने तैयार हुई थी, मेकअप शेकअप लगाया हुआ था और सब। तो मैंने कैमरा निकाला, उसको उस पर स्टैंड पे लगाया कार के, और मैंने कहा चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा जाने से पहले थोड़ा वार्म अप। हाँ, थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। तो मैंने वो लगाया और बस ऐसे ही गा दिया। और वो मैंने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट माय व्हाट्सएप ग्रुप, यू नो, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने उनको भेज दिया। आप यकीन करें कि वो आज तक भी, इस बात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी वो लोग मुझे भेजते हैं। और मैंने किसी ड्रामे का क्लिप देखा, पाकिस्तानी ड्रामा का, जिसमें कोई लड़की ऐसे करके फ़ोन लेकर बैठी है और वो मेरी वीडियो ही देख रही है। और मेरी दोस्त ने मुझे भेजा, कहती ये तुम नहीं हो? मैंने कहा ये तो मैं ही। ये कैसे होता है? देखिए, उनके पास टैलेंट है। एक नेचुरल वीडियो आई, आवाज़ लोगों को पसंद आई, वो व्हाट्सएप पे शेयर होती गई। व्हाट्सएप पे बेसिकली क्या है, एक नंबर नहीं नज़र आ रहा आपको नीचे, जिस तरह व्यूज़ देख रहे होते हैं वीडियोस पे, वहाँ नहीं नज़र आ रहा, पर वो वहाँ चल रही है, एक अलग चीज़ है। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्वॉल्व होता है। जब ये ग्रुप्स जो बने हुए हैं जहाँ पर जैसे एक आम बंदा है, 4 में से 1 बंदे को पसंद आ रही है, 2 में से 1 लोग को पसंद आ रही है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ लोगों ने बना रखी हैं फेसबुक पर, जिससे वो बेसिकली मनी मेकिंग करते हैं। और मनी मेकिंग कैसे करते हैं, वहाँ कोई इसी तरह के आप जैसे वो कॉन्टेंट को यूज़ करते हुए उस पर मनी मेकिंग कर रहे होते हैं। अब ये ओवरनाइट वायरल होगी, उन्होंने उससे पैसे कमा लिए। हाँ, और लिख के नीचे के ग्रैंड डॉटर ऑफ मैडम नूर जहां, देखे ना, ऐसा ही ऐसा ही। बट दिस इज द थिंग, इवन दो ये इनकरेक्ट बात थी, ये बात वायरल हुई। अब एक दफ़ा तो इनकी वीडियो हो गई वायरल, हम बार बार साइमा को कैसे वायरल करें? मैं ये जानना चाह रही हूँ। एक बारी तो हो गया ना, नजरों में आ गई। बिल्कुल, हमने जिस तरह वो 1 पाउंड फिश याद है, वो जो बिल्कुल बिल्कुल सो क्यूट, अल्लाह के वो शो पे भी आए थे, उनसे बड़ा अच्छा एक इंटरेक्शन रहा। बट द पॉइंट इज वो 1 टाइम चीज़ ही हुई, आई टू आई, वो एक फनी सी चीज़ थी। उन्होंने जब बार बार वही चीज़ करने की कोशिश की, वो नहीं चल पा। So explain to me कि फिर sustain कैसे करें? आदत कैसे हो जाती है लोगों को एक चीज की देखने की, और वो हिट कैसे हो जाते हैं, और फिर देखना चाहते हैं again and again। तो ये हमने ब्रेक के बाद जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इस पर आपने हमें ये बताना है कि चलो एक बारी तो तुसी वायरल हो गए, तो फिर सस्टेन कैंच करो। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक के बाद। back from the break, viewers. Colgate Sparkle, आपका मेरा हम सब का फेवरेट टूथपेस्ट, एक ऐसा टूथपेस्ट जिसको अगर हम दांतों की मुकम्मल हिफाजत और प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन टूथपेस्ट कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है लौंग, फ्लोराइड एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग एंड फ्लोराइड के साथ साथ पर्ल पाउडर। अब इन तीनों का पर्पस क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जो है ना इंग्रेडिएंट्स देखते हैं चीज़ों के ऊपर, जैसा खाने की चीज़ों पे भी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और बॉदर नहीं करते ये जानना कि वो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हैं, नुकसानदेह हैं। कोलगेट स्पार्कल में जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। लौंग की अगर बात करें तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर दांतों में दर्द है तो लौंग दांतों के बीच में रख लें, उसको आपको फ़ायदा होगा। फिर जब हम बात करते हैं पर्ल पाउडर की, दांतों में अब लौंग का फ़ायदा क्या होगा, अगर दांतों में दर्द है, ठंडे गर्म महसूस होता है तो वो लौंग मैनेज कर देता है। देन फ्लोराइड, ये तो हम जानते ही हैं कि फ्लोराइड दांतों की मजबूती के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, हमें कैविटीज़ से बचाने के लिए, कैरी से बचाने के लिए बड़ी एक यूज़फुल चीज़ है। एंड देन ऑफ कोर्स पर्ल पाउडर, पर्ल पाउडर आपके दांतों को चमका देता है, चमकता सफ़ेद बना देता है। 0320946350 पे अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे एक तस्वीर कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, अभी तक सब लोग अपने बच्चों की तस्वीरें भेज रहे हैं, भाई सिर्फ बच्चों की ना भेजें, कोई बड़ा भी अपने दांतों को साफ करते हुए कोलगेट स्पार्कल से हमें भेज सकता है। कोलगेट स्पार्कल आपने जब से आपके परमानेंट टीथ आने हैं और जब तक आपके दांत मुंह में ख़त्म नहीं होने तब तक आपने दांतों में का ख्याल रखना है और कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करना है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन। हाँ, बच्चों पे को अगर आप आदत डालेंगे तो ऑफ कोर्स वो फिर उसको इस्तेमाल करते रहेंगे और उनके दांतों के मसाइल जो हैं वो आगे जाके लाइफ में नहीं होंगे। हमारे दांतों का बहुत काम है, हम सिर्फ सोचते हैं कि स्माइल के लिए बड़े अच्छे हैं। सोचिए अगर आपके दांत ना हो, कभी किसी ऐसे इंसान से बात करें जिनके अपने दांत नहीं हैं या जिनके मुँह में ही मतलब जिनके दांत गिर चुके हैं सारे, वो कितने प्रॉब्लम और कितने इशू से गुजरते हैं। बेसिक और नॉर्मल इजी से इजी चीज़ चबाना मुश्किल हो जाता है और फिर अगर नकली दांत लगाने पड़े तो वो उससे बड़ा अजाब। सो साल में एक दफ़ा हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू करें, प्रॉपर मुस्तने डेंटिस्ट से, और प्रॉपर एक अच्छी गुड क्वालिटी की टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और हम रेकमेंड करते हैं कोलगेट स्पार्कल। चलें अब ज़रा किचन में नज़र डालते हैं, जहाँ पर हम दांतों की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। तो भाई शेफ़ मुनीरा क्या कर रही हैं आप? किधर गए आ जाओ हेलो हाय आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ। मेरी स्पीडें जो है ना वो ज़रा ज़्यादा होती हैं। ओके, तो हमारे गेस्ट के लिए हमारी खाना तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है। तो फिर हम सर्व भी कर देते हैं लगता तो नहीं है वैसे साइमा जी कुछ खाती भी हैं, लेकिन चले। आप ये मजाक में कह रही हैं, मुझे देख के ही तो लगता है कि मैं खाती हूं। बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, हम आपके लिए जो हमने मज़े मज़े की डिशेस तैयार की हैं ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ और साथ में हम प्लेट्स भी हम लोग। अच्छा, हमने तो चाट भी तैयार की है। अब चाट तो गाते गाते हाँ, चले हम बाद के लिए इसको संभाल लेते हैं। अस्पर भाई ये आपके लिए बहुत सा प्यार, वैसे तो आप उम्र में मेरे से छोटे हैं बट लाड में भाई कह रही हूँ। कुकड़ी शुकड़ी कोई खाएगा? अभी आप रखिए। अच्छा, हाँ। कंट्रोल करूं। आप ना कौन है आप लोग? नाश्ता ही नहीं करते। जा रही हूं मैं वापस अपने लोग करके। आपने चाय पिला दी। मैंने नहीं आपसे बात करनी। I am leaving। अच्छा, तो आ जाते हैं अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के लिए और वो है हेयर रिमूवर, जहाँ पे हर खातून की ख्वाहिश होती है कि एक ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस आपका हो। तो आपकी ये भी ख्वाहिश होती है कि बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की स्किन भी हो। एंड फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनको रिमूव कर देती है इफ़ेक्टिवली और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ छोड़ देती है 3 से 5 मिनट के अंदर। अब 3 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों है? डिपेंड करता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी थिक है। मेरे क्योंकि आई हैव गॉट वेरी फाइन हेयर, तो विदिन 3 मिनट्स आप अपने रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अगर ज़रा थिकर बाल हैं तो अप टू 5 मिनट्स, सो एंड 6 मिनट्स ऑल्सो अगर इट्स इवन थिकर ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन द एरिया। ये आपको सैलॉन स्मूथ स्किन दे देता है 5 मिनट के अंदर अंदर। एंड कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है, क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है, लोशन फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सैलॉन्स में जो अजियतनाक प्रोसेस से हम गुजरते हैं उससे आपको गुजरना पड़ता नहीं है। आप बड़े आराम से इसको यूज़ करते हैं, विदिन 5 मिनट्स आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं और स्किन भी सिल्की स्मूथ होती है, साथ साथ 2 गुना ज़्यादा बल्कि आपकी स्किन पहले से सिल्की स्मूथ हो जाती है। इसकी बहुत ही प्लेजेंट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है और इसके साथ साथ एक जो इनकी बहुत ही अमेजिंग सी टैगलाइन है, बल्कि वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि बाय बाय सैलॉन हेलो एंड फ्रेंच। इस तरह की आप वीडियो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपको ये गिफ्ट हैम्पर भेज देंगे। आइए देखते हैं। Moisturizers बनाए skin 2 times softer and smooth. Wow! कौन सा salon? Bye bye salon, hello and French. Bye bye salon, hello and French. आपने कह के ये वीडियो भेजनी है 0320946363502 पे, सॉरी 3502 पे, और जिसकी वीडियो सबसे अच्छी होगी हम उसको शेयर भी करेंगे और हम उनके साथ ये गिफ्ट हैम्पर भी शेयर करेंगे। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिजिटल वर्ल्ड में पैसे कैसे कमा सकते हैं, हाउ कैन वी मेक मनी, और ऑल्सो अस्पर के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं, साइमा जी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी हम ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। पेपर पेंसिल लेकर, क्या कह रही हूँ, पेपर पेंसिल अपना को टैब या फ़ोन लेके रखना, मैं पुराने ज़माने की हूँ लगता है, इसलिए मैं ऐसी बातें करती हूँ। अपने पास अपने डिवाइस रखिएगा ताकि आप सेव कर सकें, इनको फॉलो कर सकें और देन मज़ीद और गाइडेंस ले सकें। ये तो हम टीज़र दे रहे थे आपको, आप इनके फैंस बन जाएं, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अस्पर यार पैसे कैसे बनाएं, वन हिट वंडर हमने अभी शुरू में जो बात की थी कि एक चीज़ तो इंसान की वायरल हो जाए। अब देखें आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग बड़ी माशाल्लाह एक डिमांड है, लोग कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है कि एक साइमा नाम की लड़की है जो इतना खूबसूरत गाती है और जो टैलेंटेड है, या जिन्होंने वो वन टाइम वीडियो देखी, अब वो किस तरह इनसे कनेक्ट करेंगे भी तो बात है ना। या मुनीरा है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमारे म्यूजिशियंस हैं, कितने लोग हैं जो सिर्फ म्यूज़िक के फैंस हैं, जो सिर्फ किसी को इंडिविजुअल, मैंने इंटरनेशनल म्यूजिशियंस देखे हैं जो सिर्फ अपना गिटार, जैसे गिटार अगर बजा रहे तो अकेला गिटार ही बजा रहे हैं, और उनकी सीरीज ऑफ वीडियोज़ है। इसके लिए ना मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ऑनलाइन जितनी भी फ्री वीडियोस के थ्रू लोगों को सिखा रहा होता हूँ। बहुत ड्राई टॉपिक है, मतलब सीखना है आपने, डेफिनेटली पढ़ना है, समझ आ रही होती नहीं समझ आ रही, तो शुरू में क्या होता था व्यूज़ नहीं आ रहे। अब हम लोग नए काम करते हैं, कहते हैं व्यूज़ नहीं आ रहे जी कैसे करें, वो क्या होता है कि फिर भी आपने एक डेडिकेशन के साथ अपना लाइफस्टाइल, अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर बनानी है। जिस तरह बात कर रही थी कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, तो क्या है कि मेरी शक्ल आज जो बंदा देख रहा है उसे मैं पसंद नहीं आ रहा, पर वो मुझे हो सकता है कोई बैड कमेंट करके चला जाता है, मैं उसको ब्लॉक भी कर देता हूँ। यार मैंने इनकी इनकी अभी इनको टैग किया, अभी टिकटॉक के साथ इनके साथ वीडियो मैंने बनाई, अब टिकटॉक की वीडियो बनाई, मैंने इनका मुझे अपना बताएं जरा टिकटॉक का हैंडल, तो इनको ढूंढना पड़ा। अब कितनी बुरी बात है कि एक बंदा जो ऑलरेडी वायरल हो चुका था टिकटॉक पे, उन्होंने अपना उसको, अब मेरी तो कोई भी चीज वायरल नहीं हुई, सच्ची बात। मुझे किसी ने बताया कि मैं टिकटॉक पे वायरल हूँ और मेरे बच्चे ने पकड़ के मेरा टिकटॉक अकाउंट बना दिया, और वो अभी सो रहा है अकाउंट, वो जाग रहा है, वो आज से जाग रहा है, इनका टिकटॉक भी। सो यू कैन फॉलो हर, इट्स साइमा काशिफ, KASHEF, यू कैन फॉलो हर। तो क्या है कि आपने ना अपनी प्रेजेंस देनी है, आपने अपना लाइफस्टाइल, रोजाना कुछ ना कुछ बात करनी है, इंटरेक्शन करनी है, नेचुरल वीडियोस की शक्ल में। ज़रूरी नहीं हम कोई सेट और लाइटिंग ला के बैठेंगे तभी आपने बात करनी है, जब आप बात करेंगे लोग आपको सुन रहे होंगे, जब सुनेंगे फिर जब आप इंटरेक्शन बनाएंगे, आप अपनी शक्ल याद कराएंगे, और उसके बाद जब आप अपना कॉन्टेंट अपडेट करेंगे तो देखेंगे पिछले से कई गुना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि आप एक, जिस तरह आपकी ऑडियंस है वो आपको देखती है, अब आप कोई भी बात करेंगे तो वो आपको फ़ौरन इंटरेक्शन करेगी, तो उसके लिए आपकी प्रेजेंस होगी तो इंटरेक्शन करेंगे, तो अपनी प्रेजेंस बनानी है, तो ये हर बंदे के लिए ज़रूरी होगा। इसलिए मैं, आपने बात की कुकिंग की कि जी वो क्या करें, आपने एक बात की नेगेटिव कमेंट्स तो ब्लॉक कर दिया, थोड़ा इस पर भी तबसरा करें। देखें नेगेटिव कमेंट, मैं तो ब्लॉकिंग क्वीन हूँ, कोई मेरे साथ बदतमीजी करा हम सब औरतें ऐसे होती हैं। मेरी जान मैं क्यों मुंह मारी में पढूं, सच्ची बात है। मेरी आपको उम्र है कि मैं बैठ के लड़ाइयां करी, तुमने ये क्यों कहा, नहीं तुमने ये कहा, वो फिर तुम अम्मी की बात करे तो मैं, एंड सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग यू और पुटिंग नेगेटिव का, उन्होंने अपना बना लिया है, आदत बना ली, मूड खराब होता है बार-बार उनकी फजूल बातें सुन के। अच्छा अब आप एज ए प्रोफेशनल क्या कहते हैं इस चीज के बारे में? देखें इस चीज़ से आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये साइकोलॉजी है, कुछ नाराज़ लोग कम्युनिटी में हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, वो आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी ना एक 2.5 लाख वर्ड्स की लिस्ट निकाल रखी है, जो कि जब भी कमेंट में वो वर्ड आएगा तो वो फिल्टर आउट हो जाएगा, यानी कि पब्लिश नहीं होगा। तो पब्लिश जब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम कि फिर भी महीने में 4-5 कमेंट 2.5 लाख वर्ड्स को फिल्टर करके आ जाते हैं। उन 2.5 लाख में से 1.5 लाख तो मेरे ख्याल से पंजाबी गालियाँ होंगी, बिल्कुल ऐसी ज़्यादा फेमस है। नहीं देखिए व्यूअर्स, हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ इनसे गाना सुन लें और इनसे अच्छा क्यों किया कैसे किया करें, आपको जो हेल्प करने वाली बात है अगर हम वो करेंगे तो आप ही हमें दुआएं देंगे। इस शो के थ्रू अगर 4 लोग भी घर बैठे रोजी रोटी कमा लेते तो हमने अपना पर्पस अचीव कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह एक लेडी थी, वो बहुत घर में जो है वो खाना पकाने का काम करती थी, मफिन्स बनाने आते थे। उन्होंने क्या किया, अपनी वीडियो बनाई कि फेस नहीं दिखाया, सिर्फ बताया कि मफिन है मुख्तलिफ एंगल से, जिस तरह हम देख के एक वीडियो बना ही लेते हैं। इंस्टाग्राम पे अपलोड की, उनके रिलेटिव ने वो शेयर की। अब उनके पास इतना ऑर्डर्स है कि वो उनसे मैनेज नहीं होता सिर्फ इंस्टाग्राम से। तो क्या है, तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, इतने तमाम मीडियम्स हैं। आप एक कंटेंट बनाते हैं, हर कोई डिफरेंट यूज़र है। आप इंस्टाग्राम यूज़ करती है, मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आप यूट्यूब यूज़ करती है। हर एक का अपना होता है। जैसे मैं फेसबुक पे ज़्यादा हूँ और लोग मुझे फेसबुक पे ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। आप सेलिब्रिटी लेकिन आपके पास लग्जरी नहीं है। मैं बड़ी ब्लंटली आपसे बात कर रही हूँ, आई एम अ फैन ऑफ योर्स एंड आप हमारे मुल्क का बल्कि एक इंटरनेशनल असासा है, बट मेरी जान यू डोंट हैव दैट ऑप्शन कि आप सिर्फ फेसबुक पे इंटरेक्ट करें, राइट के रॉन्ग। बिल्कुल एग्जैक्टली, सेलिब्रिटी के पास तो वो लग्जरी नहीं है, राइट। आई हैव मेड अ यूट्यूब पेज एज वेल और हमारी मार्क एंड मानी कंपनी है जो मुझे अमेरिका में मैनेज कर रही है एंड वी आर डूइंग शोज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। हर स्टेट में हम जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि इतना वहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर ईद पे 14 अगस्त पे या हमारा वो पाकिस्तान डे होता है 23 मार्च का, उस पर वहाँ पर ज़्यादा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं यहाँ देखती हूँ यहाँ एंथुजियाज़म उस तरह से नहीं है जहाँ हम दूर रहते हैं, ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए जो हमारा वेस्ट का कल्चर है, बाहर चले गए, क्लब्स चले गए, अपने वहाँ चले गए। हमारा कल्चर है खाने पीने का, म्यूजिक सुनने का। म्यूजिकल इवनिंग विद डिनर यूजुअली एक मतलब कुछ भी होता है, ईद होती है या कोई ऐसा इवेंट आता है, हम क्या करते हैं टिकेटेड प्रोग्राम या वैसे ही जैसे फंड रेजर्स हैं, बहुत सारे फंड रेजर्स होते हैं अमेरिका में, सोशल वर्क जी। तो वो होता है कि हम वो वहाँ पर करते हैं और बहुत पैसा जनरेट करते हैं। हम यहाँ की एनजीओज़ के लिए जो काम कर रही हैं, यू नो, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए या माजूरों के लिए या ख़वातीन के लिए, तो वहाँ पर बल्कि इतना ज्यादा काम हो रहा है कि यकीन कीजिए कि आप कभी टाइम नहीं मिलता किसी वीकेंड पे। हर काम ये जो है, अगर कोई एक बंदा वीडियो बना रहा हो, अगर इनके हर इस काम पे अगर फॉर एग्जांपल आप महीने के 10 भी इवेंट करती हैं, बिल्कुल, तो उस आपके पर इवेंट कम से कम कोई 10 वीडियोस निकल सकती हैं। बिल्कुल निकल सकती है। इसके लिए देखिए इनके पास स्किल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है उन वीडियोस को कैसे मैनेज करना है। हैशटैग की बात कर रहा हूँ, आप सोच रही कहाँ से हैशटैग आता है, ये क्या चीज़ आ गई है। देखिए वो तो मैं भी सोचती हूँ, जब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, टिकटॉक पे तो मैं जाके देख लेती हूँ, मेरा वेरीफाई भी हो गया, टिकटॉक वो सारा कुछ हो गया है, बट वो जो पहला अपना जो एक मेरे ख्याल से फेसबुक वेरीफाई होना था, मैं बता नहीं सकती वो कितना बड़ा एक अजाब था। वो फेसबुक हो गया वेरीफाई, फिर उसके साथ ही जब इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हुई वो वेरीफाई हो गया, बट वो पहली वेरीफिकेशन ही आपकी कमर तोड़ देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुश्किलात तो देखें आपको हर जगह जो है ना आनी है। अब जैसे वो बात कर रही थी कि जी कोई मैनेज करने वाला नहीं है जी, सिंपल सा एक कोर्स है। आपकी तो कंपनी है बिल्कुल जो मैनेज करती है नेम्स के नाम से, बिल्कुल ऐसा राइट। तो अस्पर अली के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें सारा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि आप सीखें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का छोटा सा कोर्स है, घंटे 2 घंटे का कोर्स है, हमें भी आप बच्चा ही समझ लीजिए और सिखा दें। ये तो चलें बिजी होंगी ना तो उनके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी अपने क्लोज रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा हो जो आपके जो आप समझती हो कि हाँ सेफ है, उसको आप वो सिखाएंगे और छोटे से 2-4 घंटे में या 2-4 दिन में वो सीख जाएगा। आप उसको अपनी हैंड ओवर कर देंगे। या आप कंपनी को हायर करते हैं, इस तरह की कंपनीज को हायर कर लेते हैं कि वो लाइक आई सेड ही हैज अ कंपनी, इनकी कंपनी नेम्स आर बाय द वे इट्स रजिस्टर्ड अब्रॉड। तो बात यह है कि आपको बाहर का भी बेनिफिट मिलता है और लोकल भी मिलता है, उसी सेंसिबल अंदाज में। हम दोनों एक्चुअली इस पे कम्युनिकेट आपसे इतना इसलिए करें क्योंकि वी आर बोथ आई थिंक सिमिलर जनरेशंस और हम दोनों का और सिर्फ अब अमेरिका से ज्यादा मुझे बाहर ऑफर्स आने लगे हैं, दुबई से, यूके से और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, कि यहाँ पर काम करें, यहाँ पर बहुत काम है और हमें फीमेल सिंगर्स चाहिए हैं। अब आप देखें अभी तो आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपको इतना काम आ रहा है। जिसको मुझे जैसे बंदे को आपको बुलाना है, कांटेक्ट करना है, तो आम बंदे के पास मीडियम सोशल मीडिया और वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप सोचेंगे अगर वहाँ एक्टिव हो जाएगी तो फिर आपके पास तो यहाँ आने का भी टाइम नहीं निकलेगा। यू नो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, देखो अगर आप 0 रुपए कमा रहे हैं तो आप 1 रुपया भी कमा रहे हो तो वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये कि जब आप 10 कमा रहे होते हो तो कहते हो कमा ही रही हूँ ना 10। भैया आप 10 कमा रही हैं, आप 20 क्यों नहीं कमा रही? अगर 10 कमा रही हैं और आप में पोटेंशियल है 20 कमाने का, तो फिर आप 20 तो कमाएं, वो 10 आपने बाहर क्यों सुट्टा हुआ है मार्केट में। राइट, यही प्रोग्रेसिव माइंड यही करता है कि आपको आगे से आगे लेके चलता है और आप अपने काम को बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल, जितने मैंने अपनी मीडिया की सहेलियों के जबरदस्ती बनवाए हैं यूट्यूब के चैनल मार मार के, खुदा का वास्ते में खुद नहीं आता, किसी को पकड़ लो, किसी को कह दो और कुछ नहीं, तो जो काम कर रही हो उसी को रिकॉर्ड करवा के उसी को लगा दो। इतना आप यकीन करें, हम YouTube या हम ढूंढते हैं कि अच्छा अच्छी कड़ी कैसे बनाऊं, अब मैंने बच्चों ने कहा हमने कड़ी खानी है तो यू नो YouTube पे कोई वो बाबा चैनल या डिफरेंट यू नो आदमी, सीधा सादा आदमी बिल्कुल, और उसने कड़ी बनाने से कहा क्या जबरदस्त कड़ी बनी, मैंने पहली दफा जिंदगी में कड़ी बनाई और बड़ी हिट हो गई मेरी कड़ी। तो फैमिली भाई का यूट्यूब चैनल बना लेगी, भैया मैं घर आके आपकी वीडियो आपका चैनल बनाती हूं, तो एकदम से ख्याल है कि खान भाई तो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, उनकी भी बनाते हैं हम यूट्यूब, बट इट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इधर हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जरा सा मूड को मजीद और लाइट करेंगे, आपकी कुछ टिप्स हमने लोगों के लिए मजीद और लेनी है, एंड ऑफ कोर्स ब्रेक से जब आएंगे तो कुछ सुनते हुए आएंगे, क्या सुनेंगे वो तो हम देखेंगे। उठती है एक दर्द सा दिल में, हम रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। बात है, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या हमारे म्यूजिशियन भाइयों ने साथ दिया, क्या बात है, ग्रेट जॉब, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अब फनी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि अस्पर और मैं एक ही चीज़ देख रहे थे कि आप जितने खूबसूरती से गाते हो, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, आप में कितने ज़्यादा पोटेंशियल है टू बी वायरल। ओके, सो वही तो चीज़ है ना, वो कुछ लोग होते हैं जो गाते हैं और सिर्फ वो जो होता है ना एक डेड पैन फेस के साथ, कुछ लोग होते हैं जो बाकायदा अपने मैं गाने तो एंजॉय करके गाती हूं, गाने में डूब के गाती हूं। ऐसे ही है, कभी घर में ताना मारना हो तो गा के ताना मारा है। हाँ, मियाँ को खरी खरी सुनाती हूँ गाना गाई, वो तो बेहतरीन तरीका है ना, गा भी लिया और वो भी हो गया रियाज का रियाज और बेसिक और क्या। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? अब किसी ने आपको, जैसे आपको अगर हमने फॉलो करना हो दोनों को, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको फॉलो करना हो, क्योंकि आप सोचें कि जैसे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इंट्रीग हो गए हैं, वो इंटरेस्टेड हो गए हैं कि ठीक है हमने पैसे कमाने हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो आप सिखाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर सिखाते हैं, उसका पेज वेज सारा कुछ बताएं। बेसिकली तो YouTube पे चैनल है ASBAR, आप लिखेंगे असबर तो सामने वीडियोस आ जाएगी। मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि Facebook से कैसे कमा सकते हैं, Instagram से कैसे कर सकते हैं आप, अगर आपके पास स्किल है तो कैसे कर सकते हैं, अगर स्किल नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको कैमरे पे अपना फेस दिखाना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं दिखाना है तो कैसे कर सकते हैं, फिर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना आप उसमें से अर्न कर सकते हैं। देखें, मैंने अगर बता दिया आप लाखों कमा सकते हैं तो ओवरनाइट कुछ नहीं होना, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अस्पर अली सबसे पहला आता ही आपका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक 122 वीडियोस हैं और वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो इसी चीज़ों से रिलेटेड गाइडेंस हैं। बिल्कुल, मतलब कि आप बने किस तरह, अमेजोन एफिलिएट ब्लॉगिंग, $0 to $350 आप किस तरह कमा सकते हैं। बिल्कुल, यू नो आप देखिए $350 को इतना अमाउंट यूके में नहीं लगता, मतलब न्यूयॉर्क में नहीं लगता, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हुए अगर $350 की बात करें, घर बैठे बैठे आपको $350 मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है? You have to start somewhere and there has to be a first step। 50-60 हज़ार रुपए के करीब, 50-60 हज़ार, और ये है पैसिव इनकम, यानी कि मैं आपके साथ बैठे बातें कर रहा हूँ, पीछे पैसे बन रहे हैं। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी एक टाइम फ्रेम के अंदर करनी है, बहुत थोड़े टाइम के लिए करनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने एसेट्स बढ़ाते जाएंगे। ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, मतलब किसी भी स्किल्स के बगैर $8,000 आप कैसे कमा सकते हैं। अब $8,000 तो न्यूयॉर्क में भी अच्छे खासे लगते हैं और पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो यू सी, ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप बात करते हैं, बट व्यूअर्स वही वाली बात है ना, आप जाएँ, फॉलो करें, आपको कॉन्स्टेंट गाइडेंस मिलेगी। पिछले 15-15+ ईयर्स से इनका एक्सपीरियंस है। सो अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपको भी मॉर्निंग शो पे बैठ के पूरी गाइडेंस दे देंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट्स टफ राइट, बट द पॉइंट इज एक सिरा पकड़ाना होता है ना, घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। ऐसे ही है, क्योंकि देखें ना, अल्टीमेटली एफर्ट आपने करनी है, डायरेक्शन मिल गई आपको, अब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इसलिए कहते हैं गूगल जो है वो अपनी हैबिट बना लें, आप कुछ भी करना है, आपने को मेडिसिन खानी होती है, कुछ करना होता है, आपने रिसर्च के लिए एक ज़बरदस्त टूल आपके पास है, वहाँ से आप शुरू करेंगे और इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाते हैं और अपनी आप जगह बना लेंगे। बजाय ये है कि आप अल्टीमेटली डॉक्टर मिलेगा या कोई चीज़, वहाँ पहुँचने का वो दौर गुजर गया है। इसी तरह ऑनलाइन मनी मेकिंग है कि आपने कुछ भी लर्न करना है, सब कुछ यूट्यूब गूगल पे अवेलेबल है, बस आपने पहुँचना है। मैं सिखा रहा हूँ और लोग सिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कंटेंट पड़ा है वहाँ, वो पढ़ना, वो देखना, वो आपका काम है। मुनीरा इधर आके बैठ जाओ, वहाँ पे खड़ी सारी लाई जा रही है, इधर आके बैठ जाओ, इतना अच्छा खाना आपने यहाँ रख दिया, अभी हम बन कबाब खाएंगे, बड़ी मेहरबानी है, इधर यहाँ बैठ जाओ प्लीज आप, थैंक यू वेरी मच। आप सोफे के उस एंड पे आके बैठ जाएं, बिकॉज मुनीरा ये आपके लिए भी, मैं हमेशा मुनीरा को देखती हूँ तस्वीरों, बस तस्वीरों की हद तक इसका इंटरेस्ट है सोशल मीडिया का। एक बंदा जो इतना अच्छा खाना, आप देखें कि ये तीनों चीजें आई प्रॉमिस यू यहाँ पे खड़े खड़े इन्होंने बनाई हैं, ये घर से बनी हुई नहीं आई, She made it all here। हमारे घर में कभी मेहमान आने होते हैं तो एक हब पैदा हो जाता है कि एक दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, वो आके लाइव शो में घंटा पहले इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर दी थी, 45 मिनट्स लगे। और हमें तो वहाँ क्विक क्विक रेसिपीज चाहिए होती है, तो मैं तो आपको फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ अमेरिका में तो लाइफ इज सो फास्ट, आपको बस 1 2 3 कोई ऐसी डिश हो बस जल्दी से बनाओ। यहाँ पे जब आप शेफ की बात करते हैं, जो मुझे समझ आई है, कुछ ₹1,00,000 से लेकर $2,50,000 या मैक्सिमम ₹3,00,000 आपको सैलरी मिलती है। ऐसे ही है, इससे कई गुना ज्यादा तो आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, देखें आप इसमें हर चीज़ स्पॉन्सर से मिलती है। स्पॉन्सर क्या है जी, इसमें आपके जितने भी स्पाइसेस हैं वो स्पॉन्सर्स हैं आपके, कुकिंग ऑयल स्पॉन्सर है आपका, आपके जितने भी इक्विपमेंट आप चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं, कोई पैकिंग फूड यूज़ कर रहे हैं, वो आपके स्पॉन्सर्स हैं और डायरेक्टली रिलेशन के साथ हैं। अगर ये एक्टिव होंगी वो उनको कांटेक्ट करेंगे, पे करेंगे, उसके लिए सिंपली डिश बनाएंगी और वहाँ पर जो है ना वो आप सर्व कर देंगी। तो क्या है कि सिर्फ आपको वहाँ एक्टिव होना जरूरी है। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं मैं कौन हूँ तो कैसे पता लगेगा, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और इनके पैसे बनेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बट अगेन अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, एफर्ट। जैसे कि आप भी कह रही थी कि वहाँ पे कॉन्सर्ट्स, काम, रियाज, इतनी सारा कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है। देखिए एक तो आपका कुछ वायरल हो गया, वो आप बाय चांस कह लें, लक कह लें, वो हो गया तुक्का लग गया कि आप वायरल हो गए, लेकिन उसको कैसे लेके चलना है और बल्कि बेहतर बनाना है, ना कि सिर्फ उसी डगर पे चलना है बल्कि उसको बेहतर बनाना है। और जैसे कि अस्पर बता रहे हैं कि इसको किस तरीके से आपको लेकर चलना है और सोशल मीडिया प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो वी आर गोना क्लोज, वी आर गोना टेक अ ब्रेक नाउ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने अपने शो को क्लोज भी करना है। एक और सॉन्ग तो मैं आपसे सुनूंगी आप चाहे माने या ना माने, वरना मैं खुद गाना शुरू कर दूंगी और फिर हो सकता है कि सबके गाने से घूमने का लाए। तो हम सॉन्ग तो सुनेंगे ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो फाइनल हमारी क्लोजिंग की जो टिप्स हैं वो इस पर आपने देनी है। आपसे सॉन्ग वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्योंकि अपनी गुफ्तगू को हमने रैप अप करना है और सूफी नोट पे प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो उससे पहले अस्पर फाइनली क्या कहेंगे आप हमें? जस्ट गाइड अस अ लिटिल बिट, हम तीनों को, हमारे व्यूअर्स को। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है व्यूअर्स, ये बच्चों के लिए भी है। अगर आपका बच्चा फॉर एग्जांपल बहुत गाने का शौकीन है, बहुत अच्छा गाता है एंड ही या शी वांट्स, आप चाहते हैं कि मतलब उसकी चीज़ों को एक रिकॉर्ड के तौर पर तो चीज़ें वीडियोज़ हम बनाते ही रहते हैं अपने बच्चों की। अगर आपको वो नज़र वगैरह से डर नहीं लगता, हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चों को तो वैसे ही नज़र लगने से इतना खौफ आता है कि इंसान कहता है कि छोड़ दो। मैंने भी बिल्कुल सोशल मीडिया पे अब रिसेंटली डिसाइड किया मैंने नहीं अब बच्चों की चीज़ें लगानी है, भी मुझे घबराहट होती है कि अल्लाह ना करे कुछ वो। बट द पॉइंट इज़ किसी भी टैलेंट को, आपकी नानों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, दादों की आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, अम्मी मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, वो कॉमेडी करते हैं, मैंने देखा है बच्चे कितने कॉमेडी लोग करते हैं कि लड़कियां लड़के और दादियां, मतलब वहाँ तो गोरों ने वो भी बनाई हुई है कि दादियां भी कॉमेडी करती हैं और साथ पोता लगा हुआ है जी, दादी के साथ पोता लगा हुआ है, वीडियोस बना रहे हैं। ये तो हम कर रहे हैं टैलेंट की बात। आप अगर टैलेंट मतलब है हाँ कि वीडियो आप पे बना सकते हैं, आवाज अच्छी है, कुछ भी है, अगर आपका टैलेंट नहीं है आप बिजनेस मॉडल समझते हैं इसका। That's the tricky part, right? I want to know that. So talent नहीं है वो क्या करें? Business digital marketing की beauty यही है कि आपने कोई प्रोडक्ट बाजार से नहीं लेनी है। फीमेल जाएगी बाजार में, वो लहंगा बेच रहे हैं, वो शलवार कमीज बेच रहे हैं, जितने भी टाइप से कपड़े बेच रहे हैं, उनको जाके कहेगी मैं तुम्हारी चीज़ें सेल कराती हूँ। पिक्चर्स ली आपने, इंस्टाग्राम पे लगा दी, फेसबुक पे लगा दी, लोग आए और उन्होंने कहा जी ऑर्डर दे दें, 1 लाख का लहंगा है वो 1,50,000 का बेचेंगी, 50,000 अपनी जेब में रखेंगी, वहाँ से लहंगा उठाएंगी, वहाँ बेच देंगी। आपका 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ आपने टाइम देके अपनी फॉलोइंग बढ़ाई हुई है जो कि आपसे रिलेटेड है। और इसी बिजनेस मॉडल किसी भी गलत काम में पड़े हुए हैं यार, राइट, हम ये कर लें लोगों के लिए ब्रांडिंग करें या एडवर्टाइज करें, राइट, एग्जैक्टली। तो अगर आपका फॉलोइंग है तभी आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलोइंग बनाने में सिर्फ टाइम लगेगा और जब आप बना लेंगे वो भूख अगर कितनी को फॉलोइंग हो तो आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों से बाहर निकल के सोचा करें, जिसने वो तो आपको फॉर्मेलिटी है ना, जरूरी है उनको तो फॉलो करना। आपने वो 5,000 भी हो सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है। फेक के ऊपर बिलीव नहीं करना, जेन्युइन चीज होनी चाहिए, कहीं बाय नहीं करना। आपको मैं बताऊँ अब मेरे इंस्टाग्राम पे 700 केसेस ज़्यादा हैं फॉलोअर्स, मुझे अक्सर लोग राब्ता करते हैं कि हम आपको ना 1 मिलियन हिट करा देते हैं, 1 मिलियन हिट करा देते हैं। बहुत से लोगों ने शुरू में इस तरह से किया भी, पर फिर जब आप उनके सोशल मीडिया को जाके देखते हैं ना तो आप देखते हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि जिसकी 4 मिलियन की फॉलोइंग है उसके लाइक सिर्फ 40 है, 60 है, और फिर वो ये क्या है, ये फेक, ये तो बताइए। ये बॉट्स होते हैं, रोबोट। आप अच्छे लगने के लिए तो आप बढ़ा लेंगे फिगर, पर पीछे एक सिस्टम है इंस्टाग्राम का। आपने अगर फेक फॉलोअर खरीद लिए हैं, जब आप अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, फॉलोअर आपका 1 लाख है, पिक्चर पे 10 लाइक भी नहीं हो रहे, तो क्या है, सब आर्टिफिशियल ही है। राइट। जब वो उसको प्लेटफॉर्म को पता लगेगा तो वो कहेगा जी मुझे चीट कर रहा है, तो फिर आपको जो आपकी ग्रोथ मिलनी थी वो आपने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और उसको ब्रेक लगा दी। तो आर्टिफिशियली आप ऐसे मिसलीडिंग प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। तो इसलिए फॉलोअर्स के पीछे मत भागे, स्पेशली फेक फॉलोअर्स के पीछे तो मत भागे। ऑथेंटिक 50 फॉलोअर, लाख फेक फॉलोअर्स से 1000 गुना बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि कोई ऑर्गेनिक चीज़ है वो ऑर्गेनिक चीज़ है। अगर आप नंबर बढ़ा के किसी को लाएंगे तो ऐसा नहीं है, जिसने आपके साथ इंटरेक्शन है, आपकी चीज़ पसंद आ रही है वो लेगा, वो किसी भी कीमत पे होगी वो आपसे लेगा। तो बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं उनको मोटिवेशन देने के लिए सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि भाई खुद से हार गए तो बात अलग है, इस तकदीर के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। क्या बात, इन मुसीबतों से कह दो कि अपनी स्पीड बढ़ा लें, अगर मैं निकल पड़ा तो रुकने वाला नहीं। क्या बात है, थैंक यू सो मच असबर। आपको इनको सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो इनके आप अगर यूट्यूब पे इनको फॉलो करेंगे तो उस पर इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, टिकटॉक, सारे इनके पेजेस आ जाएंगे। साइमा काशिफ के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। आपको फेसबुक के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है एंड यूट्यूब पेज साइमा काशिफ सिंगर के नाम से मेरा YouTube चैनल भी है। मुनीरा अपना भी बता ही दो। शेफ मुनीरा के नाम से, शेफ मुनीरा के नाम से। क्या बात है शेफ मुनीरा। और तीनों को मैं भी फॉलो करती हूँ, तो उसके थ्रू भी आप फॉलो कर सकते हैं। गाइस एट द एंड ऑफ द डे हम बार बार कोशिश करते हैं एट मॉर्निंग विद जुगन, A+ के थ्रू, पब्लिक न्यूज़ के थ्रू, कि हम आप लोगों को पुश करें, गाइड करें, मोटिवेट करें। किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि वो घर पे बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत सी बच्चियां जो कहती हैं इजाज़त नहीं मिलती घर से, घर वालों से जंगो जदल करने से बेहतर है, अगर नहीं एक अपॉर्चुनिटी आपकी बन रही बाहर निकलने की, बाहर अगर निकल भी रही हैं तो उसके साथ साथ भी तो आप पैसे कमा सकती हैं ना। तो अगर टीवी देखने का टाइम है तो फिर ये भी आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब जाते जाते कल भी आप इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। सामा जी ने प्रॉमिस किया है, नहीं भी किया तो हमने ऑनर उनसे करवा लिया है। तो जाते जाते कुछ सूफी नोट पे आज शो क्लोज करते हैं। ओवर टू यू मैम। साड़ी उमर गई अजाई माही यार दी खड़ोली भर दी, सुन यार दी खड़ोली भर दी, माही यार दी खड़ोली भर दी, हिक अल्लाह कलो मैं डर दी, हिक मौला कलो मैं डर दी, माही यार दी खड़ोली भर दी, सुन यार दी खड़ोली भर दी, हिक अल्लाह कलो मैं डर दी, हिक मौला कलो मैं डर दी, हाँ माही यार दी खड़ोली, हाँ 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 सोने